शालेय शिक्षा विभाग द्वारा शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता राज्य स्तरीय फुटबॉल का आयोजन दमोह जिला मुख्यालय पर किया जा रहा है, जहां पर प्रदेश भर की संभागीय टीमों के द्वारा हिस्सेदारी की जा रही है। यह सभी टीमें दमोह में 66वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के तहत फुटबॉल प्रतियोगिता में अपने जौहर दिखाएंगी। दमोह जिले के कलेक्टर ऐश कृष्ण चेतन के द्वारा यहां पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, तो वहीं उसके बाद सभी खिलाड़ियों के द्वारा शहर में इस आयोजन की जानकारी के लिए एक रैली का प्रदर्शन भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट ACN न्यूज। मेरा विश्वास है कि आप सब निश्चित तौर पर खेल के दौरान एक अच्छे बच्चे होने का, आप खिलाड़ी बाद में हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी और इंसान पहले, तो उसका आप निश्चित तौर पर प्रमाण देंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सभी लोगों का स्वागत है और बहुत ही अच्छा एक मौका है अपना स्किल या हुनर जो होती है वो दिखाने का और इसको और आगे करने की प्रयास करने का। स्पोर्ट्स जो है टीम भावना बढ़ाती है, हम लोगों को हार सिखाती है, हार को कैसे लेना है वो तो सिखाती ही है। तो यही अपेक्षा करते हैं सभी लोग जो है जितने भी बच्चे आए हैं कि ये 4 दिन बहुत ही अच्छे स्पिरिट के साथ पूरे गेम्स खेलेंगे और दमोह के आसपास जितनी भी जगह है उसका भी वो लोग जो है पूरी याद देख के कि बुंदेलखंड की जो हम लोग एंट्री पॉइंट बोलते हैं दमोह, तो इसके बारे में भी पूरी जानकारी लेके जाएंगे। तो यही अपेक्षा है सभी लोग जो है इसको बहुत एंजॉय करें और स्पोर्टिंग स्पिरिट अपना स्पोर्ट्स स्पिरिट जो भी होता है तो उसके हिसाब से जो है सभी लोग खेले, उसी का अपेक्षा हम लोग सभी लोग। थैंक यू। दिल विदा विदा।